सबसे पहले राजस्थान तक के सभी दर्शकों को राजस्थान दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। होली के बाद तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ ही राजनीतिक तापमान भी बढ़ने लगा है। राजस्थान में नामांकन के आखिरी दिन आज कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ सबसे पहले सुजानगढ़ पहुंचे, जहां पर सुजानगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में उन्होंने सभा की। उसके बाद वो सहाड़ा गए, जहां पर गायत्री त्रिवेदी के समर्थन में उन्होंने सभा की, और उसके बाद राजसमंद गए, जहां पर जनसभा की। इसी तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता सबसे पहले राजसमंद गए, उसके बाद सहाड़ा और फिर आखिर में सुजानगढ़। देखिए, ये क्रम को देखें तो दोनों ही पार्टियों के लिए सबसे आसान सीट कांग्रेस के लिए सुजानगढ़ लग रही है, तो उन्होंने शुरुआत जो है सुजानगढ़ से किया है, और बीजेपी के लिए सबसे आसान राजसमंद सीट लग रही है तो शुरुआत राजसमंद से की है। राजसमंद में किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी बीजेपी के टिकट पर खड़ी हैं, वहीं मार्बल व्यवसायी और व्यापारी वो कांग्रेस के टिकट पर खड़े हैं। सहाड़ा में बहुत बेहद दिलचस्प मुकाबला है, दोनों ही पार्टियों ने बीच का समय चुना है सहाड़ा सीट के लिए, और दोनों ही पार्टियों की अगर जीत के गणित को देखें तो आधा आधा ही लग रहा है। रणनीति के हिसाब से निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं आगे दिख रही है, मगर जोश के हिसाब से, जो कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा था उसके हिसाब से बीजेपी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सुजानगढ़ की बात करें तो वहां पर कहा जा रहा है कि मनोज मेघवाल के पक्ष में एक सहानुभूति लहर है। दूसरी तरफ खेमाराम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो तपे तपाए हैं, वहाँ के लोगों को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं। हो सकता है कि बीजेपी का जो कैडर वोट है उसे इकट्ठा कर वो कांग्रेस को मजबूत फाइट दे पाए। सुजानगढ़ में मन संभाल रहे थे उस शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिनको सचिन पायलट ने मंत्री बनाया है, मगर बदली हुई परिस्थितियों में वो खेमा बदल चुके हैं और वहाँ पर अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे। कुछ लोग मंच के आसपास भी इकट्ठा किए गए थे जो अशोक गहलोत के नारे लगा रहे थे, लेकिन वो जोश नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती कहा गया हो कि बीच में चिल्लाते रहना है। इसी तरह से सहाड़ा में अशोक गहलोत के खासम खास रघु शर्मा हैं, वो मंच संचालन कर रहे थे, वहाँ पर सारी परिस्थितियों का जो ख्याल रख रहे थे। ऐसे में कोशिश की जा रही थी कि निश्चित रूप से भले ही सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान के कहने पर अपने पास बुला लेती है, लेकिन जरूर कोशिश करती है कि सचिन पायलट अलग थलग दिखें। तभी तो सचिन पायलट जिस रंग में आसाम में नज़र आते हैं, उस रंग में राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ मंच पर नज़र नहीं आते हैं। कहीं न कहीं वो खून का घूंट पीते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की राजनीति की बात करें तो वसुंधरा राजे कहीं नहीं है। वसुंधरा राजे को नॉमिनेशन में कहीं नहीं बुलाया गया है। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी हाईकमान ने लगता है यह मूड बना लिया है, ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वसुंधरा राजे के लिए उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। देखिए, जिस तरह से उम्मीदवार उतारे गए हैं, वो तीनों ही उम्मीदवारों के बारे में कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे के वो करीबी हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे को ना बुलाने पर भी वो बीजेपी की खिलाफत नहीं कर सकती हैं, वरना उनकी राजनीति के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक यूनाइटेड फेस दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आई। सचिन पायलट को लेकर साथ गए हैं, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर में बैठे हुए तस्वीर जो है जारी की जाती थी वो जारी नहीं की गई है। इस बार सीधे वहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतरे और मंच पर गए। वसुंधरा राजे की तस्वीर मंच पर भी दिखाई नहीं दी, इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे को अब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो राजस्थान की राजनीति से दूर करने के लिए मन में सोच लिए हों। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।